हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंस्पायर फेलोशिप 2020 के बारे में कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है और क्या चांसेस हैं आपकी सिलेक्शन के और किस तरह से पूरा प्र, प्रोसेस होगा तो सबसे पहले तो ये जो इंस्पायर फेलोशिप है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से निकाली गई हैं हर साल निकाली जाती हैं और इसमें कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप ट्वेंटी ट्वेंटी पर प्रोग्राम डॉक्टोरल प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब ये जो स्कॉलरशिप है ये ओनली फॉर पी एच डी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और इस स्कॉलरशिप में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो सेम होता है जैसे कि एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का होता है उसी तरह से सेम इस, इस इंस्पायर फेलोशिप का भी अमाउंट रहता है अब इसमें क्या होता है इसमें किस किस में आप पी कर सकते हो डॉक्टोरल डिग्री इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंस साइंसिस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मेडिसिन एग्रीकल्चर वेटनरी फार्मेसी एक्सेट्रा आफ्टर इधर मास्टर डिग्री इन साइंस अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग और बैचलर मास्टर डिग्री इन मेडिसिन तो सबसे पहले इसमें हम कॉल फॉर एप्लीकेशन देखते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है तो इसमें अप्लाई करने इसमें दो टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं एक तो वो जो ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलर हैं अब इंस्पायर स्कॉलर कौन होते हैं इंस्पायर स्कॉलर होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद अपनी इंस्पायर स्कॉलरशिप जिनको मिलती है जिनकी स्टार्ट होती है और जो उसको परस्यू करते हैं अपनी ग्रेजुएशन में और उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में वो होते हैं इंस्पायर स्कॉलर्स तो एक तो जो इंस्पायर स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने मिनिमम फिफ्टी मिनिमम सेवेंटी परसेंट स्कोर किया होना चाहिए अपनी मास्टर्स में एक तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए और दूसरा वो जो फर्स्ट रैंक होल्डर्स होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अपने सब्जेक्ट के अपने डिपार्टमेंट के जो फर्स्ट रैंक होल्डर्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या रहता है टोटल थाउजेंड फेलोशिप्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द इंस्पायर फेलोशिप ट्वेंटी ट्वेंटी कॉल तो हर साल इसमें ये लोग थाउजेंड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ऑल ओवर द कंट्री तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है जो इंस्पायर स्कॉलर है जो मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी अपनी इंस्पायर स्कॉलरशिप ले रहा है पिछले पाँच सालों से वो उसको चाहिए सेवेंटी परसेंट मार्क्स एम में और या तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका फर्स्ट रैंक हो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पीजी लेवल एग्जामिनेशन और इस फर्स्ट रैंक की एक और एलिजिबिलिटी है कि फर्स्ट रैंक एटलीस्ट टेन स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन मतलब मिनिमम वो जो जिस क्लास में वो है उसमें एट लीस्ट टेन स्टूडेंट्स होने चाहिए और इसको भी सेवेंटी परसेंट मार्क्स मतलब मोर देन सेवेंटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए इसके सब्जेक्ट में तो ये दो टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं अब एक तो वो फर्स्ट रैंक होल्डर्स जिनका कॉलेज ऑटोनॉमस होगा या फिर जिन्होंने डिग्री थ्रू डिस्टेंस मोड से अपनी डिग्री ली होगी या फिर जो फर्स्ट रैंक होल्डर होंगे किसी स्पेशलाइजेशन में देखो जो स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट रैंक होल्डर्स हैं उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी जो पूरे अपनी डिग्री के फर्स्ट रैंक होल्डर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसमें और उसके बाद आ जाता है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 2019 एंड 2020 में पास आउट हैं मास्टर्स से जिन्होंने पीजी कोर्स अपना 2019 एंड 2020 में पास किया है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या रहता है अब इसका जो अमाउंट नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप अब ड्यूरेशन इसका जो है वो टोटल 5 साल के लिए रहता है दैट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स और कंप्लीशन ऑफ द डिग्री विच एवर इज अर्लियर मतलब आपको पाँच साल के लिए मिलेगा बट अगर इनकेस आपकी पी एच डी जल्दी कम्प्लीट हो जाती है तो ये जल्दी स्टॉप हो जाएगा और अगर आपकी पी एच डी ज़्यादा देर चलती है ये आपको तब भी सिर्फ पाँच साल के लिए ही मिलेगी अब फेलोशिप किस किस को कौन सी कौनसी डिग्री के लिए नहीं मिलती है जैसे एम फिल हो गया एम टेक हो गया या फिर इंटीग्रेटेड एम एस सी पी एच डी एम फिल पी एच डी एम टेक पी एच डी कोर्सेज इनके लिए स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है दो टाइप की स्क्रीनिंग रहती है एक लेवल वन और एक लेवल टू स्क्रीनिंग अब इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें दो टाइप के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एक तो वो जो ऑलरेडी एनरोल हैं पीएचडी में और एक तो वो जो अभी जिन्होंने अभी पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो जिन जिन्होंने भी पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया हुआ है उनके लिए दो लेवल की इसमें दो लेवल की स्क्रीनिंग होती है पहली लेवल की स्क्रीनिंग क्लियर करने में आपको आ, प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलता है और सेकेंड लेवल की स्क्रीनिंग आपकी जब क्लियर होती है जब आपको उसके बेसिस पे कहीं पे पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है और इसमें जो सेकेंड लेवल की स्क्रीनिंग रहती है वो रहती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अकेडमिक मेरिट होस्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग रिसर्च सुपरवाइजर प्रोफाइल एंड द डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल तो ये बहुत चीज़ें हैं जब आप इसमें फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें फिल करनी रहती हैं उसके बाद किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें जो अप्लाई करने का और सिर्फ एक ऑनलाइन मोड है और इसकी जो तो वेबसाइट है यहाँ पे दी हुई है और इसकी जो डेट्स हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट इज कल से ये स्टार्ट होगा मॉर्निंग नौ बजे से और ये चलेगा ट्वेंटी फरवरी फेबररी ट्वेंटी शाम को साढ़े बजे तक और इसमें पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा कुछ भी ऑफलाइन नहीं रहता अब इसमें द पर्सन इज कम्प्लीटली ऑनलाइन देर विल बी नो स्कोप ऑफ मेकिंग एनी इंटीमेशन फॉर एन इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड एप्लीकेशन इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड अप एप्लीकेशन और एप्लीकेशन विद लैक ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स विल बी भी रिजेक्टेड तो अगर कुछ भी ऐसा सीन या कुछ कैसा केस होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें कुछ चीजें आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखनी है फॉर्म भरने से पहले जिसमें एक आ गया अपने पासपोर्ट साइज फोजो जिसकी यहाँ दी हुई है स्पेसिफिकेशन जेपी जी फाइल एंड साइज आफ्टर दैट द एज सर्टिफिकेट मार्कशीट्स मार्क्सिट्स फर्स्ट फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट ये सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो लोग फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलर्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए फिर ये अब ये कॉलम नंबर सिक्स और सेवन इंपॉर्टेंट है ये सिक्स उनके लिए है जो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल है उनको अपना एडमिशन लेटर फी रिसिप्ट पीएचडी एच डी की सी वीदा पी एच डी सुबह ये सब चीज़ें अपलोड करनी रहेंगी और जिन लोग पीएचडी में भी एनरोल नहीं हुए हैं उन लोगों को उन लोगों का जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो डिफरेंट होगा उसमें उनको वो जब हम फॉर्म भरेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें मेनली यही है कि ट्वेंटी फर्स्ट से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी एंड ये चलेगा ट्वेंटी फरवरी तक और इसमें मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन में आप कैसे जा सकते हो यहाँ पे ये पोर्टल दिया हुआ है मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा तो इस पर क्लिक करेंगे हम तो हम डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे सेक्शन है दिस इज़ द फेलोशिप सेक्शन फेलोशिप सेक्शन पे जाएंगे तो पहला ही यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है दैट इज फॉर इंस्पायर फेलोशिप जो इसका नोटिफिकेशन हमने अभी रीड करा उसके बारे में और बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड नॉल है वो आप यहाँ से लॉग इन करके देन पासवर्ड और अगर कोई नए से रजिस्टर करना चाहता है जो हमें नए से ही रजिस्टर करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको यहाँ से इसके लिए रजिस्टर कर देना रजिस्टर तो आप कर सकते हो अभी भी, भी बट आपको फॉर्म भरने के लिए ट्वेंटी जनवरी मॉर्निंग नौ बजे का वेट करना पड़ेगा सो आई होप कुछ लोगों के लिए यूजफुल होगी ये वीडियो तो अगर कुछ भी डाउट्स होंगे आप लोगों के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करना अगर मुझे पता होगा तो आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर डाउट्स सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू